जय लक्ष्मी माता मित्रों, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी सेहत अच्छी होगी। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसी हो आपके घर की रसोई, क्योंकि दोस्तों एक संपन्न घर की, एक सच्चे घर की, एक खुशहाल घर की निशानी होती है घर की रसोई। अगर दोस्तों कोई अपने घर की रसोई को अच्छा रखता है तो उसी से समझ जाते हैं कि उस घर के अंदर कभी भी माता लक्ष्मी नाराज नहीं होती, उस घर के अंदर कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। लेकिन दोस्तों अगर आप उसी रसोई के अंदर यह चीजें देख लेते हैं तो समझ लीजिए आपके ऊपर आने वाला है कोई बड़ा कष्ट। हो सकता है आपके पति की या आपके परिजन की तबीयत के अंदर वह सुधार नहीं रहे, हो सकता है आपको किसी प्रकार से कोई धन का लाभ प्राप्त नहीं हो। इसीलिए दोस्तों आपको अपने घर की रसोई के अंदर रात्रि के समय इन चीजों को भूल कर भी नहीं देखना चाहिए। अगर आप अपनी रसोई के अंदर इन चीजों को देख लेते हैं तो यह संकेत आपको बता देते हैं कि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार से कोई दोष आने वाले हैं। इसलिए जब रात्रि होती है और शाम का समय होता है, अपनी रसोई के अंदर भूल कर भी आप इन चीजों को देखें तो समझ जाइए कि आपके जीवन के अंदर कुछ बदलाव आने वाले हैं। तो बात करते हैं दोस्तों उन चीजों के बारे में जिन चीजों की देखने के मनाई की गई है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, तो विशेष तौर से आपको संध्या के समय नहीं देखना चाहिए। दोस्तों रसोई होती है माता अन्नपूर्णा देवी का निवास। माता अन्नपूर्णा देवी जहां पर वास करती है उस स्थान पर कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती और अगरीबी अर्थात कि किसी प्रकार की कोई हमारे जीवन के अंदर गरीबी देखने को नहीं मिलती। तो ध्यान रखें कि रात्रि के समय कोई भी हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो, अपनी रसोई के अंदर रात्रि को झूठे बर्तन नहीं देखे, अर्थात कि रात्रि के बर्तन रात को ही धोए। आज के आधुनिक युग में क्या करते हैं कई लोग कि अपने घर की नौकरानी के सुबह आने का इंतजार करते हैं और रात्रि को बर्तन ऐसे ही आ जहां बर्तन धोते हैं वहां पर जमा कर रख देते हैं। दोस्तों समझ लीजिए आपने ऐसा किया और राहु का दोष आपको लगा। जिस घर के अंदर रात्रि के अंदर जूठे बर्तन छोड़े जाते हैं उस घर के अंदर सबसे पहली यही समस्या होती है, उस घर के अंदर कभी भी किसी प्रकार के कोई भी कष्ट चलकर नहीं आते, अपने आप ही पता नहीं कैसे उस घर के अंदर दरिद्रता देखने को मिल जाती है। क्योंकि दोस्तों जहां रात्रि के अंदर जूठे बर्तन छोड़े जाते हैं वहां पर माता लक्ष्मी का निवास कभी नहीं होता है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप भी अपने घर के अंदर रात्रि को जूठे बर्तन छोड़ते हैं वहां पर गरीबी का निवास अपने आप ही हो जाता है, तो रात्रि को बर्तन कभी भी ना छोड़ें। दोस्तों दूसरी अगर किसी चीज की बात करें तो घर का रसोई घर वहां होता है माता अन्नपूर्णा देवी का निवास, और अन्नपूर्णा देवी जहां रहती है वहां पर अपने आप ही घर के अंदर स्वच्छता रखनी होती है, साफ सफाई रखनी होती है। दोस्तों अगर आप अपने घर की रसोई के अंदर ही साफ सफाई नहीं रख पाते तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर कमी है, और जहां पर साफ सफाई नहीं होगी वहां पर अपने आप ही माता लक्ष्मी का भूल कर भी निवास नहीं होता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर की रसोई घर के अंदर स्वच्छता जरूरी होती है, सफाई जरूरी होती है, बिना सफाई के माता अन्नपूर्णा देवी निवास नहीं करती। दोस्तों इसी अगर आप रात्रि के अंदर दूध लेते हैं और अगर रात्रि के समय संध्या काल के बाद आपके घर के अंदर लगातार यह संकेत आपको प्राप्त हो रहा है कि आपके द्वारा दूध उफन जाता है, चूल्हे पर दूध उफन जाता है और दूध का बहाव होता है, दोस्तों यह बहुत ही खतरे का संकेत है। रात्रि के समय दूध का उफनना हमारे ऊपर आने वाली कई विपत्तियों का संकेत देता है, और ऐसा लगातार हो रहा है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, आपको समय पर दूध का ध्यान रखने की आवश्यकता है और ऐसा होने से आपको बचाना चाहिए। अगर लगातार ऐसा हो रहा है तो आपके ऊपर आर्थिक कलह आ सकती है या फिर पारिवारिक सदस्यों के बीच में कोई मतभेद हो सकता है। दोस्तों यह भी जरूर ध्यान रखें कि रात्रि के समय जैसे आप अपने घर के अंदर तेल का टिन लेकर आते हैं या तेल की कोई चीजें लेकर आते हैं तो ध्यान रखें कि रात्रि के समय भूल कर भी तेल खाली नहीं करें। अपने घर के अंदर जो खाने का तेल आप उपयोग में लेंगे वह दोस्तों आपको सुबह प्रातः काल के अंदर ही आपको तेल का बर्तन भर देना चाहिए। रात्रि के समय संध्या काल के समय ना तो आपको तेल खरीद कर लेकर आना चाहिए और ना ही आपको नया तेल खाली करना चाहिए। इस बात को भी आपको भूलना नहीं चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर कई प्रकार के दोष लग जाते हैं जिसका आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों इसी तरह अगर गर्म तेल के छींटे आपके ऊपर संध्या काल का जब आप भोजन बना रहे होते हैं और आपके ऊपर उछलते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से आपके ऊपर यह संकेत होता है कि
भगवान सहदेव की नाराजगी का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आप अगर इनसे बचना चाहते हैं तो आप क्या करें कि अपनी रसोई घर के अंदर आप कुछ ऐसा बनाएं, उस तेल जिस तेल से आपको चीटे बने उससे ऐसा बनाएं उस तेल के माध्यम से, और उसे आप आपके आसपास किसी काले कुत्ते को खिलाएं ताकि आपके ऊपर से किसी प्रकार के कोई दोष है तो वह दोष समाप्त हो जाए। दोस्तों इसी तरह अपनी रसोई घर जहां अन्नपूर्णा देवी का वास होता है तो आपको भूल कर भी ध्यान रखना चाहिए कि आप और पति पत्नी परस्पर प्रेम या वार्तालाप ऐसी कोई चीज अनर्गल चीज अपनी घर की रसोई घर के अंदर न करें। अगर आप अपनी रसोई घर के अंदर कुछ ऐसे प्रकार गतिविधि करते हैं तो आप समझ लीजिए कि साक्षात माता लक्ष्मी का निवास स्थान खो रहे हैं, माता अन्नपूर्णा देवी का निवास स्थान खो रहे हैं। तो आपको भूलकर भी यह काम अपनी घर की रसोई घर के अंदर नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे घर की रसोई की पवित्रता भंग होती है। दोस्तों इसी तरह अगर संध्या काल होते ही आप अपनी रसोई का किवाड़ बंद कर देते हैं तो ध्यान रखते हैं कि वहां पर कॉकरोच या जीव ऐसे आ जाते हैं जिनकी रसोई घर के अंदर किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वह जीव जानवर आपकी घर के रसोई घर के अंदर आते हैं तो तुरंत प्रभाव से उनका समाधान करें। आप अगर ऐसी गतिविधियां अपने घर की रसोई के अंदर होने देते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी रसोई के अंदर बुरी शक्तियों का निवास स्थान बन जाता है, अनेक प्रकार की बुरी शक्तियां आपके रसोई घर के अंदर रहती है और माता लक्ष्मी ऐसी रसोई घर के अंदर कभी भी निवास नहीं करती है। तो तुरंत प्रभाव से आप छोटे कॉकरोच जीव जानवर जो भी है उन्हें अपने घर की रसोई से बाहर का रास्ता दिखाएं ताकि आपकी रसोई के अंदर अच्छा रहेगा। दोस्तों इसी तरह मुख्य बात है कि रसोई घर के अंदर रात्रि के अंदर कभी भी झाड़ू नहीं लगाएं। अगर आप रात्रि के अंदर रसोई घर के अंदर झाड़ू लगाते हैं तो समझ लीजिए कि उसी क्षण से आप अपने घर से माता लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं। अब कई लोगों की यह समस्या होती है कि खाना बनाते समय कचरा हो जाता है या फिर कई प्रकार की चीजें उनके आंगन के अंदर गिर जाती है तो उनको उठाने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि हमने ही बताया है कि सफाई नहीं रहती तो माता लक्ष्मी का निवास भी नहीं होता। लेकिन झाड़ू नहीं लगाएं, आप किसी कपड़े के माध्यम से उस कचरे को इकट्ठा करके अपनी रसोई के कूड़ेदान के अंदर ही रख दें और सुबह उस कचरे को गिरा दें, लेकिन झाड़ू का प्रयोग करना आपको नहीं करना है क्योंकि दोस्तों रात्रि के बाद झाड़ू नहीं लगाया जाता है और विशेष तौर से रसोई घर के अंदर तो इसका बहुत बड़ा विधान रहता है, तो इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इस बात का भी आप ध्यान रखें कि रसोई के अंदर रात्रि में कभी भी अपने फ्रिज के अंदर आटा नहीं रखें। अगर रात्रि के अंदर अपने फ्रिज के अंदर आप आटा रखते हैं तो साक्षात नकारात्मक शक्तियों को आप अपने घर के अंदर आमंत्रित करते हैं। रात्रि के समय फ्रिज के अंदर आटा रखना और बुरी शक्तियों को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो साक्षात समझ लीजिए कि आप अपने घर की खुद बर्बादी तय कर रहे हैं, तो आप भूल कर भी ऐसा नहीं करें और तुरंत प्रभाव से आप इन चीजों को बदल दें ताकि आपके घर परिवार के अंदर खुशियां बनी रहे, आपके घर परिवार के अंदर कभी भी किसी प्रकार के कोई बुरे दोष नहीं आए। अगर आप इन चीजों को सुधार लेंगे तो समझ लीजिए कि साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर रहने लगेगी और आपकी रसोई के अंदर सदैव माता अन्नपूर्णा देवी का भंडार रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप भी अगर माता अन्नपूर्णा देवी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट के अंदर जय अन्नपूर्णा देवी जरूर लिखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अन्नपूर्णा देवी का लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।